नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। महाराष्ट्र सरकार में ऑल इज नॉट वेल, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में मंत्री बनाए गए अब्दुल सत्तार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने अपना ये इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नहीं दिया है, बल्कि खबर ये आ रही है कि शिवसेना के ही किसी और नेता को उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है। तो एक तरीके से साफ है कि अब्दुल सत्तार ने अपने तरफ से ये कोशिश की कि एक दबाव की सियासत की जाए, क्योंकि उनको हल्का मंत्रालय दिया गया, कम से कम एक दबाव बनाकर। कई मंत्री ऐसा करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि अपनी नाराजगी दिखाने के लिए या फिर अपनी मांग मनवाने के लिए नेता अक्सर ये इस्तीफे वाले जो नाटक होते हैं वो करते हैं। नहीं तो अगर सीरियसली इस्तीफा देना होता तो सीधा मुख्यमंत्री को देते। अब रही बात नाराजगी की, नाराजगी का कारण हमने आपको बता दिया है। दूसरी बात, चीजें महाराष्ट्र सरकार में ठीक क्यों नहीं है। आपने देखा होगा कि शिवसेना के भी कई नेताओं की नाराजगी सामने आई थी इसको लेकर कि आपने बाहर से यानी कांग्रेस से किसी नेता को शिवसेना में शामिल करवा के आपने उनको मंत्री बना दिया। बल्कि शिवसेना में इतने सालों से पहले से ही कई सीनियर लीडर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं शिवसेना के लिए पूरे महाराष्ट्र में। 5 साल तक पूरी मेहनत ज़मीन पर वो करते हैं और आखिरी में मलाई कोई और खा जाता है, इसको लेकर भी नाराज़गी सामने आई थी। हालाँकि मुख्यमंत्री की तरफ से और संजय राउत की तरफ से, सीनियर लीडर्स की तरफ से ये कोशिश की गई कि, और ये बोला भी गया कई नेताओं को कि अभी मंत्री बनाया गया है, हमें मुस्लिम चेहरे की ज़रूरत भी है, जितने नाराज़ नेता हैं उनको भी धीमे से सरकार में मंत्री बनाकर गाहे बगाहे उनको मैनेज कर लिया जाएगा। अब ये बात सामने आ रही है कि ये सारी चीज़ें संजय राउत ने कही हैं कि हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, और जो नाराज़गी की बात है वजह क्या है ये हमको नहीं पता है। सियासत में महाराष्ट्र की ये सब क्यों हो रहा है, इसका मुख्य कारण ये भी है कि शिवसेना जो कि एक तरीके से एक राइट विंग राइट विचारधारा की है, कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ यानी एक बेमेल का गठबंधन बनाकर उन्होंने किसी तरीके से सरकार बना ली। और जब बेमेल का गठबंधन ऐसे होता है तो सरकारें ऐसी ही चलती हैं, ये नाराज़गी और ये सारी चीज़ें सामने आती ही रहती हैं। और इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि शुरुआत से ही अभी तक कितनी ज़्यादा समस्याएं महाराष्ट्र सरकार में आ रही हैं। मैंडेट बीजेपी को मिला था सरकार बनाने के लिए। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना ने और बीजेपी ने हमेशा ये दिखाया था कि हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, उसके बाद सरकार बना लेंगे। वही सोचकर मैंडेट भी बीजेपी और शिवसेना को ही दिया गया था, लेकिन उसके बाद शिवसेना के मन में आ गया लालच और उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी का साथ छोड़े जाने के बाद से कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो सरकार बनाई है उसमें तमाम तरीके की समस्याएं शिवसेना को आनी ही थी, ये सबको पता था, और इसीलिए ये सारी समस्याएं सामने आ भी रही हैं। अभी तो ये शुरुआत है, जब बेमेल की गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो इस तरीके की समस्याएं आम सी हो जाती हैं। ये तो अभी शुरुआत है जो एक तरीके से नाराज़गी दिखाई जा रही है, ऐसी अभी और भी समस्याएँ आनी बाकी हैं, क्योंकि हमने कई सारी ऐसी सियासत वाली सरकारें देखी हैं, गठबंधन वाली सरकारें देखी हैं जो जब बिना विचारधारा के बिना मेल के एक सोच के साथ सरकार नहीं बनाती हैं तो सामने वाले के साथ क्लैश होते ही हैं।